फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम पुराने कॉफी मग का यूज करने वाले हैं जिसकी डंडी टूट चुकी है। आप भी इसी तरह के मग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम वॉल पुट्टी पाउडर की मदद से एक टफ डो तैयार करेंगे। अब हम हल्का सा पानी पूरे मग पर लगाएंगे और हमारे वॉल पुट्टी डो से बनी हुई शीट को इस पर चिपकाएंगे। आसानी से ये इस पर चिपक जाएगी और स्मूथ करने के लिए हम इस पर हल्का सा वाटर अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी है क्ले टूल्स की। क्ले टूल्स की मदद से मैं इस पर डिज़ाइन कर रही हूँ। हमारी डिज़ाइन जैसे ही बनकर तैयार हो जाएगी, हम थोड़ी देर के लिए इसे सूखने के लिए रख देंगे। मैंने पहले से ही पेपर पर एक कटआउट काट के रखा हुआ था। हम इसे वॉल पुट्टी डो पर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। जिस भी तरह का एनिमल्स या कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो पहले इस तरह से कटआउट काट कर रख लें ताकि हमें कटिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब हम इस पर हल्का सा वाटर अप्लाई करेंगे और इसको इस पर इस तरह से चिपका देंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैंड पेपर की मदद से हम इसे हल्का सा घिस लेंगे। एक्रेलिक कलर का यूज करते हुए मैं इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और अब मैं इस पर रेड एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये क्राफ्ट काफ़ी यूजफुल है आपके लिए क्योंकि आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप इस कप का यूज़ कर सकते हैं अपने कलर्स को रखने के लिए या पेंसिल पेन को रखने के लिए। किचन टूल्स में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी तरह से तैयार हो गया है। एक्रेलिक स्प्रे वार्निश की मदद से मैं इस पर हल्का सा स्प्रे करूंगी और ये रहा इसका फाइनल लुक। मैंने इस कप का यूज अपने कलर्स को रखने के लिए किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।